दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक अफ्रीका का फ्रेंड्स है, दोस्त है, ये हमको देख घुमाएगा यहाँ पे चल के नीचे। यू टेल अस Yeah. Tuko Tanzania, maeneo kama haya hapa hivi. Leo ni weekend, tuna survive maeneo kama haya. Hatuna kazi, leo ni weekend. Tumetembea nini kucheki mandizi ndizi hapo. Okay, karibuni sana Tanzania. हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, हम लोग नीचे जाएंगे, अभी पहाड़ में हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप आ सकते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे ट्रेवलिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इधर से अभी हम जाएंगे नीचे, आगे आपको मिलवाते हैं। भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पे केला ही केला है, मक्का है, इन लोगों का खाना यही है, उबाल के लोग खाना यही खाते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे पहाड़ से, देख सकते हैं कितना ऊँचा था पहाड़ से, यहाँ नीचे की तरफ हम जाएंगे। केला बहुत यहाँ पर केला ही खाते हैं, दिन रात उबाल के, केवल पानी में, कोई मसाला कोई तेल नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली केला खाएंगे, मक्का खाएंगे पानी में उबाल के, इनका भोजन यही है। चलिए आगे इनसे आपको मिलाते हैं। भाई हमको रास्ता नहीं मिल रहा था, मिल ही गया रास्ता, ये देखो मकाई, कितना मक्का। यहाँ पे जा रही है एक यहाँ की अफ्रीकन लड़की, डाडा यहाँ पे बोलते हैं इन लोगों को। ए डाडा, हाउ आर यू? देख सकते हैं यहाँ के गांव में ऐसे रहते हैं ये लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ घर दिखाते हैं आपको, कितना बहुत पुराना, बहुत गरीबी है यहाँ पे। ये देखो ये मकाई है, यहाँ पे मकाई है, रखे हैं निकाल के खाएंगे इनको, इनके यही ऐसा घर है। अभी हम लोग और आगे जाएंगे घूमेंगे। ये देखो संडे, यहाँ पे संडे में फुल एंजॉय है। मैं आया था घूमने के लिए यहाँ पे, वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। आगे जाएंगे, आगे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मकाई है, और यहाँ पे कॉफ़ी, कॉफ़ी ट्री, दिस इज ए कॉफ़ी ट्री, ये कॉफ़ी ट्री और बनाना है या और भी कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे, पूरा नेचुरली मिलेगा, ये इन लोगों यही खाना है। यहाँ पे देख सकते हैं पपीता, ये देख सकते हैं पपीता का पेड़ है, पपाया, ये लोग ऐसे ही खाते हैं फल फ्रूट पूरा नेचुरली। इन लोगों का बहुत ही साधारण जीवन है, सिंपल, बट खाना बहुत नेचुरल है यहाँ पे। कुछ देख सकते हैं इन लोगों का घर, लकड़ी का भी बना के रखे हैं, ये लोग यहीं पे खाना खाते हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर, इंडिया में भी ऐसे जानवर रखते हैं, जानवर रखने का है, ये घर है, ये लोग इसमें रहते हैं। या इसमें भी रहते हैं लोग, इसमें काम करते हैं अपना, जो भी शराब वराब निकालते हैं, लकड़ी चीरते हैं लोग। यहाँ के लोग बहुत अच्छे कल्चर हैं। हम आए हैं इधर, देखो पहाड़ी में आ गए हैं, घूमते घूमते बहुत दूर निकल आए, अभी आपको और मिलाएंगे यहाँ के लोगों से। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा लगवा के यहाँ पे आप तंजानिया, अफ्रीका, केन्या, रवांडा, कहीं भी आप अफ्रीका में आ सकते हैं। बहुत अच्छा सिटी है, इंडिया से तो बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनका व्यवहार, नेचर बहुत सीधे हैं ये लोग, इंडिया जैसा नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करते, यहाँ बिना जान पहचान के यहाँ लोग बात करते हैं, जाने पहचाने नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, बिना जान कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की या बुढ़ा बुढ़ी, सब लोग यहाँ पे प्यार से बात करते हैं। यहाँ पे इसको चोट लगा हुआ है, और यहाँ पे डॉक्टर का इलाज नहीं है, यहाँ पे बेचारा कोई इलाज नहीं है, देसी अपना इलाज करता है, बहुत ही पैर, वेरी बैड, खुद से अपना देसी दवा करते हैं ये लोग। लोग लेके आ गए सामान, देखिए घूम के भी आ गए, केला दिया उन्होंने जो कि यहाँ के 10,000 सीलिंग, और इधर ये बहुत अच्छे लोग थे, आधा सामान तो इसमें फ्री ही दे दिया उन्होंने, लोग अच्छे थे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।